वाली ऐसे तो दुख बहुत एक बार जिंदगी में। देखिए बढ़िया सुनने वाले तो हम तो पब्लिक को ही दोष देते हैं, क्योंकि हम लोग इतना गाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, देखते हैं तो व्यू 5,000-10,000 उतना ही जाता है। कोई खराब गाता है उसको देखिए मिलियन चला जाता है। पब्लिक के बाद हम आपको रुकना चाहते हैं। जी जी, नमस्कार प्रणाम, और आप देख रहे हैं सीसीटीवी न्यूज चैनल, और मेरा नाम सोनू देव। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं बता दूं कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका नाम है विशाल राज और शास्त्रीय संगीत का बहुत ही अच्छे टीचर भी हैं और बहुत अच्छे गायक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, सबको दिल से धन्यवाद जो भी हमारे दर्शक दिख रहे हैं। सबसे पहले कि अभी एक जो आप गा रहे थे यहाँ पर, दो लाइन थोड़ा सा, आप पूरे भारत के जानते इस वक्त आपको देख रही है, दो लाइन थोड़ा सा सुनाइए। अरे ऐसे तो दुख बहुत एक बात जिंदगी में, अरे पैसा के मोल बाकी आई जी बुझाता, निर्धन के रोग जानी दी है विधाता, निर्धन के रोग जानी दी है विधाता। बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल पे भी गायक अच्छे गाना गाते हैं, आज आप देख लीजिए, आप प्रमाण देख लीजिए। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आपको तो खोजने में मुझे 2 साल लगा, आप एक बार बॉलीवुड से कोई ऑडिशन हुआ था, उस ऑडिशन आप दिए, उसके बाद हम लोग लगा कि चले गए छोड़ कर हम लोग मुंबई, हम लोग मुंबई जाके खोजे हैं, दिल्ली खोजे हैं, कहाँ कहाँ नहीं खोजे, लेकिन अचानक से इतने दिन के बाद मिले, इतना सब सेटअप के साथ में, इतना बहुत सारा आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारा विद्यार्थी हैं और बहुत सारा सिंगर आपका जो विद्यार्थी है गाना गा रहा है एल्बम में, तो पहले सबसे पहले उन लोग क्या कुछ गाना चाहिएगा? देखिए जो भी है गा रहे हैं, थोड़ा जो बहुत कुछ आता है हमको, थोड़ा बहुत अच्छा है आता है वही भी हम उनको लोग को बताते हैं। वैसे बताया तो 2 साल से हम कहीं थे नहीं, सिवान में ही थे और कहीं नहीं थे, आप बहुत दिन बाद मिले हैं। और रही बात की सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और बहुत सारा गाना भी एक गवैया गवारे हमारा चैनल है उस पर गाते हैं। और रही बात की देखिए बढ़िया सुनने वाले तो हम तो पब्लिक को ही दोष देते हैं, क्योंकि हम लोग इतना गाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, देखते हैं तो व्यू 5,000-10,000 उतना ही जाता है। कोई खराब गाता है उसको देखिए मिलियन चला जाता है। पब्लिक के बाद हम आपको रुकना चाहते हैं। जी जी, सबसे पहले पूरे पब्लिक इस वक्त आपको देखते हैं, पब्लिक ये जानना चाह रही है ना कि विशाल जी पढ़े लिखे एक यंग यूथ होकर कलाकारी लाइन में, गायकी में इंटरेस्ट कैसे इनको जगा? देखिए गायकी में इंटरेस्ट तो हमको बचपन से ही था, स्कूल में गाते थे, उसके बाद से आए सीखना चालू किए और सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हैं, और माता रानी का आशीर्वाद से आज मेरे पास हर चीज़ है, माँ बाप का आशीर्वाद भी है बहुत सारा, और क्या बोलते हैं, मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं हो जैसे कि मैं अपने हिसाब से सारा चीज़ मेरे पास सब बजा लेते हैं, सारा चीज़ गिटार हारमोनिया थोड़ा बहुत सब बज जाता है, सब बज जाता है थोड़ा बहुत बजा बजा के पूरे सिवान छपरा गोपाल में लोग दिल जीते हुए हैं, तो सभी पब्लिक लोग का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है। पहले आपने बोला कि पब्लिक से शिकायत है, शिकायत तो है सर, देखिए शिकायत करने बाद बोला तो जैसे पूरे पब्लिक भगवान होता है, सभी कलाकार बोलते हैं भगवान, पब्लिक खुद कंफ्यूज है कि हमारे प्रिय गायक विशाल राज शादीशुदा है कि बैचलर, पहले कंफर्म तो करिए। शादीशुदा देखिए बहुत लोग जानता है, और शादी अगर होगा तो आपको भी पता चलेगा। मैंने ये कहना चाह रहे हैं कि आप शादीशुदा नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरे भारत की जनता की, इस वक्त मैं बता दूं विशाल राज गायक विशाल राज, आपका चैनल क्या नाम है सर? गवैया गवार के नाम से, गवैया गवार के नाम से जो इनका यूट्यूब चैनल है, जिसमें विशाल राज जी गायक, विशाल सिंगर, विशाल राज जी गाना गाते हैं, वो बैचलर हैं, शादीशुदा नहीं है। जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं आप लोग इनका गाना को सुनिए, ऐसा ऐसा रस मिलेगा ना कि आप भूल जाइएगा आज के जो माहौल, जितना स्ट्रेस जो मिल रहा है हम लोगों को, इनका गाना सुनने के बाद भूल जाइएगा। हम भी इनका गाना रात में जब सोते हैं तो सोने से पहले बजा कर सुन के ही सोते हैं। इस तरह ही सर पब्लिक का हम जो दोस्त हम लोग पब्लिक को क्लियर कर दिए। एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे पब्लिक के बारे में, जैसे कि देखिए जानने के लिए तो बहुत लोग जानता है हमको, यहाँ सिवान में अच्छा खासा काम भी चलता है हमारा, आपको भी पता है कि हम अपने फील्ड में कुछ अलग बनाए हैं। और रही बात की पब्लिक का इसलिए दोष दे रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, देखिए चैनल हमारा 1 साल होने जा रहा है,
एक साल में सोचिए तो हमारा मोनेटाइज हुआ, हमको लग रहा है कि 3-4 महीने हो गया मोनेटाइज होते हुए, व्यू नहीं जा रहा है, इतना बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत मेहनत होता है गाना बनाने में, और हम लोग कोई बनावटी नहीं बनाते, हम लाइव गाते हैं, और लाइव गाने में सबको पता है कि लाइव में थोड़ा भी त्रुटि होता है दिख जाता है, वही पब्लिक, तो वही थोड़ा सा दिक्कत है। के स्टार बनाया, वही पब्लिक, राधे श्याम रसिया आपके बगल में है, उनको स्टार बनाया, गुड रंगीला के स्टार बनाया, ये सारे तो जी जो पढ़े। देखिए ये चीज है, आप बोल रहे हैं ठीक है, अब देखिए और चीज, वो कब बनाया, बहुत वक्त हो गया, अभी कोई ऐसा कलाकार को बता दीजिए जो पब्लिक को दोष दे रहे हैं, एकदम दोष पब्लिक का ही है, किसका दे, कौन सा पब्लिक आप खोज रहे हैं, कौन सा पब्लिक, अगर एक बात बताइए, हम गाना गाते हैं अच्छा, मेहनत करते खोलते हैं तो 4-5 स्टेज आता है पब्लिक का, एक 18 से लेकर 30 के बीच। देखिए दोस्त हम पब्लिक का नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि नहीं, देखिए काम करने में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, गाना बजता नहीं है, और रही बात व्यू देखिए तो 1000-1200-1300 से क्या होने वाला है, और देखिए कोई गंदा गंदा गाना गा रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, रातों रात मिलियन जा रहा है, अब बताइए। तो इसका मतलब है कि पब्लिक गंदा गंदा ही गाना सुन रहा है, तो आप देखिए हकीकत है ये, आप सोचिए थोड़ा सा भी, एकदम हकीकत है, एकदम हकीकत है, क्योंकि हम लोग को भी गाना जाना चाहिए ना, सुनने वाले बहुत, देखिए हम जब लाइव आते हैं यूट्यूब पे कम से कम 3000-4000 लोग जुड़ते हैं, वो जुड़ने के बाद वो लोग फरमाइश करता है, वही लोग कुछ सुनते हैं, सब्सक्राइबर तो इतने लिंक कोई नहीं सुनता, आज सुबह हमें वीडियो डाले हैं, पता है एक सा कुछ गया है, देखने में भी शर्म आ रहा है, आपके सामने देख लीजिए मेरा अभी डाले हुए हैं गाना गा के, भोजपुरी का इतना अच्छा गाना लेकिन है। लेकिन कहीं न्यूज वगैरह में या पब्लिक जो कहती है कि अश्लील को हम लोग को ख़त्म करना है, अश्लील को बजने नहीं देना है, अश्लीलता से हमारा माहौल ख़राब हो रही है, और आपके माध्यम से कहा जा रहा है कि अश्लील का व्यूज़ ज़्यादा भाग रहा है और हम लोग अच्छे गाने का व्यूज़ ज़्यादा नहीं भाग रहा है। और देखिए पहली बात ये अश्लील का जहाँ तक बात की, तो अश्लील गायक नहीं हटा सकता है, क्योंकि वही परोसेगा जो चलेगा मार्केट में। आप बताइए हम आलू बेचेंगे तो आलू बिकेगा, अगर नहीं बिकेगा तो नहीं बेचेंगे ना, दूसरा सब्जी उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, क्योंकि घाटा भी नहीं होना चाहिए। और रही बात की वही मांग रहा है ना पब्लिक, तो वो देगा ही, सिंगर लोग का तो कोई दोष नहीं, जहाँ तक बताया तो पब्लिक का ही दोष। अभी आपका न्यू गाना कौन सा आने वाला है? देखिए न्यू गाना हम लाइव ही करते हैं, कोई भी गाना गाते हैं सब लोग जानता है भी, हम लाइव ही गाते हैं, थोड़ा सा कि एक शिकायत नहीं है, सब लोग गर्जियन है, कोई नहीं, आशीर्वाद प्यार बना रहता है और भगवान की कृपा से काम भी चलता है हमारा, लेकिन जिस पे हम मेहनत करते हैं वो चीज़ हमारा सफल नहीं हो पाता है, इतना मेहनत करने के बाद भी। देखिए सारा इंस्ट्रूमेंट है, ये जितना इंस्ट्रूमेंट है सब मेरा कमीनी है, कमा के ही खरीदे हैं, बहुत महंगा महंगा है, और क्या बताएं अब आपको सब पता ही है। पहली बार एक कलाकार जो बिहार के सिवान जिला के रहने वाले हैं पब्लिक को डायरेक्ट दोष लगा है, अभी तक जितने भी कलाकार हैं सभी लोग पब्लिक कहते हैं कि पब्लिक मेरा भगवान है, पवन सिंह कहते हैं कि पब्लिक मेरा भगवान है, खेसारी लाल कहते हैं कि पब्लिक मेरा भगवान है, दिनेश लाल, मनोज तिवारी, भरत शर्मा कहते हैं कि पब्लिक मेरा भगवान है, लेकिन ये पब्लिक को क्यों दोष लगा रहे हैं, पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि अगर कहाँ है पब्लिक को दोष लग रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक के वजह से कोई स्टार बन रहा है, कोई स्टार होने स्टार वाला क्वालिटी रखने के बावजूद भी स्टार नहीं बन रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा नहीं कि हम पब्लिक के खिलाफ है, हम हमारे लिए पब्लिक भगवान है। खिलाफ हम भी नहीं है, एक्चुअली क्या है कि वजन अभी देखिए इतना मेहनत करने के बाद जब गाना नहीं चलता है तो थोड़ा सा नर्वस होता है आदमी कि फिर क्या काम करें, इतना अच्छा अच्छा लाइव गाया है, आप खैर वीडियो देखते भी हैं और गवैया के बार पे कितना गाना पड़ा हुआ है, कोई व्यू नहीं होता है, ये गाना गाए हुए थे थोड़ा सा आपको सुनाना चाहेंगे। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मेरा यही गाना एक बजा, उसके बाद से चैनल पे कोई गाना बजा ही नहीं। क्या चैनल का अपना नाम बताया? गवैया गवार। गवैया गवार इसका क्या है? गवैया गवार से। गवैया गवार और आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो गूगल पे डालिए सिंगर विशाल राज, वो भी आ जाएगा। क्या नाम पर पड़ेगा आपका जी? नंबर क्या है आपका? अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करेगा? कांटेक्ट तो यूट्यूब में ही वो सारा नंबर दिया हुआ है। क्या एक बार अपना नंबर बता दीजिए? 9931873658
यही मेरा नंबर है। देखिए इनका जब नंबर पूछे तो हंस के बता रहे हैं, उसका पब्लिक को दोष दे रहा है। स्पष्ट बताइए अपना नंबर। ये होता है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा आता है और फ़ोन का स्थिति बहुत ख़राब रहता है, मैसेज देखिएगा तो सबका रीडिंग नहीं कर पाते हैं। और रही बात की नंबर, अगर किसी से भी बात करना हो चाहे जो भी है हमसे बात करना चाहेगा तो वो यूट्यूब से नहीं मिल जाएगा उसमें नंबर। एक बार अपना परिचय दीजिए। परिचय हमारा देखिए, हमारा नाम विशाल है और विशाल राज के नाम से जाने जाते हैं और सिवान के ही एक लाल हैं। चूँकि मेहनत तो करते हैं लेकिन देखिए अब कब सफलता मिलेगा आप लोग के ऊपर है, कब आशीर्वाद आप लोग बनाते हैं कि हमारा भी कुछ हो। चलिए हमारे चैनल से जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे विशाल राज से, ये जो सिवान जिले का रहने वाले हैं बहुत ही अच्छा गायक है, इनको किसी से भी शिकायत नहीं है, गिला शिकायत नहीं है। वो जिस प्रकार पब्लिक सभी लोगों के लिए भगवान है उस प्रकार पब्लिक इनके लिए भी भगवान। बस इनका ये कहना है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत में थोड़ा सा एक नज़र पब्लिक मेरे पे भी फोकस कर दे तो हम लोगों पर कहीं हो सकता है कि डूबो या नैया ऊपर आकर तैर जाए। तो हम यही चाहेंगे कि एक बार और इनके चैनल पर जाएँ। चैनल क्या नाम पड़ेगा सर? गवैया गवार चैनल पर जाएँ और एक बार ज़रूर विजिट करें और विजिट करके सुने कि इनके गाने के स्किल क्या है और इनका लय क्या है और कौन कौन सा कंटेंट देते हैं और कौन कौन सा स्टाइल में गाते हैं। इनके साथ बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो वहाँ पर देखेंगे, लाइव जाएंगे सुनेंगे तो मज़ा आएगा क्योंकि हम भी सुनते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। सीसीटीवी न्यूज़ चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सोनदेव, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान। थैंक्स डेट्स।